हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं तुषार शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो लोगों को प्रेम जाल में फंसा कर ब्लैकमेलिंग कर ठगी किया करती थी। छेड़छाड़ का आरोप लगाने की धमकी देकर गैंग घटनाओं को अंजाम देता था। ऐसी ही एक घटना पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में युवक के साथ घटी, जिसके बाद पुलिस ने हाईवे पर लुटेरी प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग का धंधा करने वाली महिला सहित गैंग के 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में टेम्पो चलाने वाले पिलखुआ के गुलफाम की कुछ समय पूर्व एक महिला से दोस्ती हो गई थी। कुछ ही समय में दोनों के बीच प्रेम भी हो गया। दोनों के बीच फ़ोन पर बातें भी होने लगी। इसी बीच दोनों एक दूसरे से मिलने के बहाने घूमने भी जाने लगे। 29 सितंबर को महिला ने पीड़ित युवक को फ़ोन कर पिलखुआ सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास बुलाकर घूमने की बात कही, जहां युवक उसके झांसे में आकर महिला के पास पहुंच गया। इसके बाद महिला ने अपना असली रूप दिखाकर छेड़खानी के आरोप में युवक को बंद करवाने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग कर उस युवक से मोबाइल, बाइक, नकदी वसूल कर ली। 50,000 रुपये की मांग करने लगी, जिसको लेकर पीड़ित ने थाने पहुंचकर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। जनपद हापुड़ की पिलखुआ कोतवाली पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो लोगों पर झूठे इल्जाम लगाकर उनसे पैसों की ठगाई करता था। इसमें एक महिला और उसके पति सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इन 3 आरोपियों के कब्जे से एक अपाची मोटरसाइकिल और एक फोन भी पुलिस ने बरामद किया है। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस जांच कर रही थी। यह आरोपी ने बताया था तहरीर के आधार पर उस व्यक्ति से एक गिरोह पैसों की ठगाई कर रहा है। पैसे नहीं देने पर उसे झूठे इल्जाम में फंसाने की साजिश रच रहा है। पुलिस ने जब इस तहरीर के आधार पर जांच करी तो सारे साक्ष्य सही माने गए। पुलिस ने आज उन 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभी एक आरोपी फरार चल रहा है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने प्रेमजाल में फंसाने वाले एक ठग गैंग के महिला सहित 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। सर, एक महिला 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, क्या मामला है पूरा? ये कल दिनांक 1 अक्टूबर को थाना पिलखुआ पर एक व्यक्ति के द्वारा ये एक शिकायत दर्ज की गई थी कि उसको एक महिला के द्वारा प्रेम प्रसंग में फंसा कर अपने 3 साथियों के साथ मिलकर उसे एक सुनसान स्थल पर बुलाया गया और उससे 1.5 लाख रुपए की मांग की गई। अन्यथा की स्थिति में उसके विरुद्ध छेड़खानी का मुकदमा लिखाने की उसे धमकी दी गई, जिस पर उसके द्वारा अपनी बाइक और मोबाइल को देकर बाकी पैसे का इंतजाम करने के लिए उसे कहा गया। इस शिकायत पर थाना पिलखुआ पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी तत्परतापूर्वक जाँच की गई। जाँच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज 2 अक्टूबर को आरोपी महिला और उसके पति और उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से पीड़ित का मोबाइल और बाइक बरामद कर ली गई है। इनका एक अन्य साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। बहुत जल्द इसे भी गिरफ्तार कर आगे कार्रवाई की जाए। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।